हिसार के हांती में महाराजा शूरसैनी की जयंती के अवसर पर होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को लेकर लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने आज रादौर के कई गांव में लोगों को इस कार्यक्रम के बारे जानकारी दी। वहीं रादौर में पत्रकारों को इस कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए पवन सैनी ने बताया कि प्रदेश ने हर वर्ग व समाज के लोगों व उस समाज से जुड़े संतों व महापुरुषों को पूरा मान सम्मान दिया है। प्रदेश स्तर पर सभी महापुरुषों के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में आगामी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में मार्च की शुरुआत में हिसार के हांसी में महाराजा शूरसैनी की जयंती मनाए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में सैनी समाज से जुड़े लोग अपनी भागीदारी निभाने के लिए वहां पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और समाज से जुड़े लोगों को जिम्मेवारियां भी सौंपी जाएंगी। आज मैं रादौर में आया था, प्रदेश स्तर पर महाराजा शूरसैनी की जयंती सैनी समाज हिसार जिला केंद्र हांसी में मना रहा है। ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और हमारे अतर सिंह जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, वो इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मोहाना से उद्देश्य इसके पीछे ये है, दूसरे अन्य समाजों की जहाँ हरियाणा सरकार ने खुद पहली बार, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, संत शिरोमणि रविदास जी की प्रदेश स्तर पर जयंती मनाई गई, महर्षि वाल्मीकि जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी, अहिल्याबाई होलकर जी की, दक्ष प्रजापति की भी, तो हमारे समाज ने भी फैसला लिया है हम एकजुट होकर के महाराजा शूरसैनी की जयंती हांसी के अंदर फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाएंगे। आज उसकी तैयारियों के लिए आज मैं रादौर के अंदर आया था और हम जो है हर जिला के हमारे प्रमुख लोगों से चर्चा करके हर विधानसभा जिला स्तर पर हम जो अच्छे बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे और उसके बाद फिर हादसे में बड़ी भारी संख्या के अंदर अपने समाज को एकजुट करके महाराजा शूरसैन जी की जयंती मनाने का काम करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।